बड़े से डैम वाले जहाज का कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है। अब मुझे इसे बड़ी लहरों का सामना कराते हुए यहाँ पर अगर तीन हाथी को एक के ऊपर एक करके खड़ा कर दिया तीन हाथी को। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। सुबह उठ के मैंने वीडियो जैसे अपलोड करने पर लगाया, आज इतनी बेकार स्पीड आ रही थी कि 1 MB की भी स्पीड नहीं आ रही थी, KB में स्पीड आ रही थी। और ऐसे करते करते 9:30 बज गए, आधे घंटा में लेट हो गया वीडियो डालने में। मैंने कहा चलो 9:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन फिर 9:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, वीडियो दोबारा से अपलोड होने लगी। वो जो पूरी अपलोड हुई हुई लाइन दोबारा से पीछे जाकर फिर अपलोड होने लगी, फिर दिमाग खराब हो गया। और बड़ी देर मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, नेट की स्पीड आ नहीं रही थी। जब भी अपलोड हुई आधा घंटा लगी, फिर उसके बाद दोबारा अपलोड होने लगी, फिर पूरा 1 घंटा लगा। अब जाके 10:30 बजे मेरी वीडियो आ पाई है लॉन्ग ब्लॉग, तो पूरा 1.5 घंटा आज लेट हो गई वीडियो। उसके लिए गाइस माफ़ी चाहता हूँ, आई होप आपने वो ब्लॉग देख लिया होगा। और अभी और गाइस अभी दादी यहाँ खाना बना रही है। दादी क्या बना रहे हो? दाल चावल बना रही हूँ। और यहाँ दीदी चावल चुप के दे रही है दादी को, और दादी ने भी मसाले काट लिए। और गाइस हमारे घर में जो दाल चावल बनाता है ना, बढ़िया फीके, जो चटपटे नहीं एकदम फीके, दादी बनाती है हमेशा से। इतने बेस्ट लगते हैं ना खाने में, मज़ा आता है। तो दादी आज वही बना रही, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दाल चावल खाने में। मतलब बहुत ही बढ़िया बनाती है दादी, बम्बई के स्टाइल में। दादी भी बम्बई में रहने की, तो बड़ा ही मज़ेदार बनाती है दादी दाल चावल। गाइस कितना सा कुकर है देख रहे हो, तो हम थोड़े ही तीन जने हैं, तो फिर थोड़ा ही बनता है खाना। और ये देखो तेल हुआ पड़ा है पूरा यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे किचन है। वैसे तो किचन यहाँ पे है, वैसे तो हम यहाँ पे बनाते हैं खाना, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा धूप आती है कि यहाँ पे बनाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ खड़े होते इतनी गर्मी में नहा जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर तो ये सामान रखा हुआ है, लेकिन इसी टेबल पर रखा रहने का ये गैस, तो फिर इसलिए दादी ने अभी इसे अंदर कर लिया है ना। दादी गर्मी की वजह से अंदर कराना ही हो बाहर, इसलिए बताओ मेरी वीडियोस कैसी लगती है तुम्हें जब तुम देखो। एक तो गाइस दादी पे फोन नहीं है, तो दादी पे गाइस फोन नहीं है, छोटा सा ही कीपैड था हमसे बात भी करने के लिए। तो पापा कभी आ जाते हैं तो पापा अपने फोन में दिखा देते हैं, और अब हम आए पड़े तो हम अपने फोन में दिखा रहे हैं। तो दादी को भी बड़ा अच्छा लगता है देखना, मतलब 2-3 व्लॉग कल हमने दिखाए अपने पुराने, और आज भी दिखाएंगे। अभी खाना पीना बना रही है दादी। सबसे ज्यादा गाइस मुंबई वाला पसंद है। दिखाया मुंबई वाला? दादी मुंबई वाला कैसा लगा? कितने दिनों बाद यार, चलेंगे दादी बम्बई कभी, है ना भाई। दादी को, दादी कितने साल हो गए तुम्हें बम्बई से आए हुए? ज्यादा 10 साल कहा, 20-25 साल हो गए। तो भाई दादी को भी पूरे 20-25 या 30 साल हो गए, क्योंकि दादी पहले आई थी बम्बई से, फिर उसके बाद हम आए थे। दादी और चाचा सब पहले आ गए थे, हम नहीं आए थे, फिर हम बाद में आए, पहले गांव में ही आए। लेकिन भाई इस गाँव में वो ये काम भी ज़्यादा रोज़गार है नहीं, और हमारी फैमिली भी बड़ी है, तो इस वजह से हमें पापा पहले दिल्ली गए, फिर पापा भी वहाँ काम गए, फिर मम्मी मम्मी चली गई। लेकिन मैं यहाँ रुका रहा था क्योंकि मेरी 12th की चल रही थी पढ़ाई। जब मैं गई 10वीं में था, जब भी मम्मी पापा सब चले गए थे यहाँ से दिल्ली में काम वीम करने, तो मैं ही दादी के पास यहाँ रात 10वीं 11वीं 12वीं अपनी पूरी करी यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद मैं भी दिल्ली में चला गया, और अब 1-1.5 महीने बाद दादी भी आ जाएगी, तो गांव में आया करेंगे। जब भी मौका मिला करेगा जरूर आएंगे, क्योंकि गांव की हर किसी को याद आती है। पर वो ये गाइस काम के चक्कर में शहरों में रहना पड़ता है, तो वही है बस। गाइस बन गया है खाना और बैठ गए हैं खाना खाने, दाल चावल बन गए बढ़िया, और साथ में दादी ने सिरके की मिर्च भी बना रखी है, मतलब सिरके में मिर्च डाल रखी है, इसे खाने में मज़ा आता है। तो खा लेता हूँ दाल चावल के साथ। खा लिए गाइस दाल चावल, बड़े मस्त बनाए दादी ने, कई दिनों बाद दादी के हाथ का खाया आज। तो चलते हैं गाइस, अभी थोड़ा मैं बाहर टहल के आता हूँ, क्योंकि आज तो लास्ट ही दिन है गांव में मेरा, कल तो जाना ही जाना है। पापा ने भी फ़ोन पे कह दिया कल आ जाना अपना आराम से सुबह के टाइम, ठंड ठंड में निकल जाना। जैसे वहाँ से दिल्ली से निकले थे वैसे ही सुबह के टाइम हम यहाँ से कल निकल जाएंगे 6-7 बजे तक। गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, ऊपर चाचा चाची रहते थे और नीचे हम, बट अब तो चाचा चाची भी गाँव में और हम, बट अब तो चाचा चाची भी दिल्ली में और हम भी दिल्ली में, तो अभी दादी रह रही है। गाइस ये हमारा पानी का सोर्स है नल, जो कि हमारे साथ 15 साल से मेरे ख्याल से, हाँ बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ मैं, इससे हमारा पानी आता है, और बहुत नीचे से आता है ये पानी, सो इससे आता है पानी घर में। चलते हैं अब बाहर। गाइस गर्मी इतनी हुई है कोई भी नहीं दिख रहा बाहर।
और गाइज ये है मेरा स्कूल जहाँ मैं पढ़ा हूँ, और मेरे निकलने के बाद ही हुआ यहाँ कलर। सही है, भारत शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। किसी दिन आऊँगा ना गाइज, इसके अंदर भी जाऊँगा, अभी तो छुट्टियाँ पड़ रही हैं, सो यहाँ पढ़ा हूँ मैं। गाइज मैं तो आ गया हूँ चलते हुए अपने दोस्त के पास, उसकी नर्सरी में, क्योंकि इतनी गर्मी में सबसे बेस्ट जगह यही है। भाई आ जाओ, हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम अंदर बैठे हो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। भाई ये वाला पेड़ देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम से मेरी नज़र पड़ी इस पे और साथ में इस वाले पे भी, लेकिन ये बहुत मस्त लग रहा है मुझे, और साथ में ये वाला भी, इनकी जड़ें, और एक ये रहा यहाँ पर। और मेरा दोस्त बता रहा है कि ये पेड़ चाइना से आए हुए हैं, एकदम अलग ही स्पीशीज के लग रहे हैं ये। भाई पेड़ बढ़िया है यार, 6 कंटेनर आए थे आज से 7 महीने पहले, और अभी 1 कंटेनर और आ सकता है। सही यार, मस्त पेड़ है। और ये आंध्र प्रदेश से आए थे, जो कि मशरूम जैसा आए, तो ये क्रीपर होते हैं, इन्हें साइज में तैयार करते हैं। सही है, ये देखो लाल टैन जैसा। अब हाँ, ये फ्लावर पॉट जैसा है, ये सारे अलग अलग है, ये लाइट वाले जो रहता है वो छोटा सा पेड़ सा बनना है, ये भी कुछ स्टाइल सा बनना है, ये भी हाँ यार सारे अलग अलग शेप है। गाइज अभी ये मेरा दोस्त एक और चीज दिखाने लगा है मुझे, ये देखो ये कलर बुगनवेलिया। भाई इसमें एक ही पेड़ में काफी कलर आते हैं, फूल मतलब है, येलो है और रेड है। हाँ यार भी है। ये भी रहा एक, ये काफी सारे हैं और सब में ही अलग अलग कलर। फार्म हाउस है, एवरग्रीन फार्म हाउस शाहजहां। भाई प्रमोशन कर रहे हो क्या? हाँ हाँ भाई, देख रहा हूँ मैं तुम्हें क्या कह रहे हो तुम। भाई हमारी तो पैसे कमा लेंगे यार, बड़ी मस्त चीज है ये तो। सही है यार, बहुत चीज़ बदल गई फार्म हाउस की भी। कि हम जाने वाले हैं यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया जगह, वहाँ का आपको दिखाएंगे बहुत बढ़िया, और चीज़ें बताएंगे वहाँ के बारे में। पहले हम आ गए हैं नहाने, वही अपनी ट्वेल में, जब से मैं गांव में आया हूँ बस ट्वेल में नहाया जा रहा हूँ, तो ये नर्सरी की ट्वेल है, अभी चला रहा है। भाई साहब ये मत सोचना कि हर ब्लॉग में मैं 12 का, गर्मी इतनी हो रही है कि घर पे नहाने का मन नहीं कर रहा, घर में पानी गर्म हो जाता है, तो 12 पे एकदम चिल्ड पानी आता है, तो 12 पे नहाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम दोनों भाई उस तरफ जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जंप करते हो भाई साहब, इसके नीचे। ओ भाई साहब क्या पानी, 12 पे नहाने का मजा ही आ रहा है गाइस। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैं यही मिस करने वाला हूँ, 12 पे नहाना गाइस, मतलब मैं बता नहीं सकता, रोज नहा रहा हूँ। आप रेगुलर मेरे तीसरे ब्लॉग में देख रहे होगे, मैं 12 पे आ जा रहा हूँ, तो नहा लेता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। गाइज नहा लिए, आज भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अब हम दोनों इन गीले कपड़ों में ही रहने वाले हैं, क्योंकि मेरी वजह से, क्योंकि मैं कपड़े लाया नहीं हूँ आपको जैसा पता ही है, और जो मेरे दूसरे कपड़े हैं वो सूख गए, वो धो दिए थे, क्योंकि कल सुबह दिल्ली निकलना है, तो आज पूरे दिन इन गीले कपड़ों में रहूँगा, जो कि ज़्यादा आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से, काफ़ी मज़ा आया, और आज लास्ट डे मैंने 12 पे नहा लिया, लास्ट दिन था गाँव में, तो मज़ा आ गया 12 पे नहाने से। अब पता नहीं कब नहा पाऊँगा, देखते हैं, चलते हैं, अब बहुत मज़ा आया 12 पे नहा के। अभी काफ़ी देर हो गई और बनियान भी हमारी सूख चुकी है, अभी लेके जा रहा है रोहन छोले भटूरे खिलाने मुझे, तो अभी उसके साथ में जा रहा हूँ, छोले भटूरे खाएंगे यहाँ पे बैठ के। तो गाइज आ गए हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे, शुक्रिया ब्रो फॉर ट्रीट, बढ़िया खाते हैं। जब भी यार खा ले, एक ही खा पाऊँगा, मैं भी घर से खाना खा के आया हूँ, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। अरे कोई नहीं, आज मेरे साथ खा ले, फिर कब आऊँगा पता नहीं चले, देख। हाँ चल, तो गाइस खा लेते हैं। तो गाइस अब तो जा रहे हैं हम घर, जिस जगह हम जाने वाले थे वहाँ, ये कह रहा है शाम को चलेंगे, क्योंकि थोड़ी धूप ज़्यादा हो रही है, तो बढ़िया तरीके से हम वहाँ थोड़ा विजिट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ शाम को चलेंगे, अब जा रहा हूँ मैं घर। चले थोड़ी देर में मिले। तो गाइस घर में आते ही कपड़े सूख भी गए पूरे, लोअर भी पूरी सूख चुकी है, और शर्ट भी, इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है, तो सही है, इसलिए मैंने इसमें नहा दिया था, धुल भी गए ये साथ में, मैं भी नहा लिया और सूख भी गए, और कल अपने जो दूसरे कपड़े हैं उन्हें पहन के दिल्ली के लिए निकलूँगा।
फिर एक बार वक्त हो चुका है घर से बाहर जाने का, थोड़ा टहल के आने का, क्योंकि कल तो मैं जाने ही वाला हूँ दिल्ली, तो आज जितना हो सके उतना मैं घूम रहा हूँ। और मेरा दोस्त आ जाता है मुझे लेने। जिस जगह हम जा रहे हैं ना, कल आपने जो बम्बा देखा वो वहीं से होके निकलता है, जैसे डैम रहता है ना, तो वो छोटा सा एक डैम टाइप है। और सब बताते हैं पहले के लोग जो बड़े बूढ़े हैं कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का, जब अंग्रेज राज करते थे ना, वो जब बनाया गया था। तो वही चीज़ दिखाने में आपको ले जा रहा हूँ, तो अभी बाइक पे है तो वहीं जा रहे हैं। तो गाइस बम्बा चलने लगा नहर साथ के साथ, वो जगह आने ही वाली है बस। डैम, हमारे गांव का एक छोटा सा डैम। गाइस पहुंच गए हैं उस जगह जहाँ की मैं आपको बात बता रहा था, जो कि ये जगह है। तो ये है गाइस वो डैम, बहुत पुराना है और इसमें अभी कलर भी हो चुका है। जब मैं पिछली बार मैंने देखा था जब तो कलर नहीं था, तो अभी हाल फिलहाल में इसमें कलर करा गया है। तो गाइस पानी का रफ्तार देख सकते हो आप यहाँ से, कितनी तेज़ी से पानी हो रहा है। आवाज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तेजी से पानी निकल रहा है नीचे से, और जबकि इसे पूरा नहीं खोल रखा मेरे ख्याल से, अभी तो कम ही खोल रखा है। और ये देखो, ये गंगा नहर है गाइस, इसमें मतलब गंगा माँ का ही पानी आता है। हम इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ अपने गाँव में, लेकिन इसके ऊपर नहीं चढ़ा हूँ। चढ़ते हैं इसके ऊपर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो ये पुराना है, यानी इसके सीढ़ियों भी गल रही है, ऊपर चढ़ने की गली पड़ी है, लेकिन कलर हो गया तो सही दिख रहा है। गाइस आ गए हैं ऊपर, अभी हम थोड़ी देर पहले इस पुल पे थे, और देखो गाइस। तो गाइस ये है मशीन, जो कि ये केबल है जो कि ऊपर नीचे करती होगी इसे। ओ भाई देखो गाइस, गला पड़ा है, वो हिला है भाई, हिला। गाइज यहाँ से पानी जाता हुआ भी कितना बढ़िया लग रहा है, और साथ में ये मशीन है पूरी जो इस डैम को कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल नाव जैसा सीन लग रहा है, जैसे नाव चलाते हैं बिल्कुल वैसा है। और साथ में यहाँ ताला लगा रखा है ताकि इसे कोई घुमाए नहीं, छेड़े नहीं। और गाइज देखो कितना ये गल रहा है, ओ भाई डर भी लग रहा है, हिल रहा है ये। बड़े से डैम वाले जहाज का कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है, अब मुझे इसे बड़ी लहरों का सामना कराते हुए, साथ में बड़े बड़े तूफान का सामना कराते हुए इसे लेके जाना है अटलांटिक का महासागर। तो अपने इस सफर की शुरुआत हम करते हैं यहाँ से ही, और सामने बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती आ रही है, तो चलते हैं। लेकिन ये मुझसे घूम नहीं रहा भाई, बड़ा ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, आपको भी लगा हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। अब आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ी आगे, देखते हैं कुछ और भी है तो वो भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं। गाइस अब हम यहाँ आ गए हैं एक छोटे से पुल पे, और हम वहाँ से आए हैं डैम पर से। तो यहाँ गाइस यहाँ पर कितना गहरा पानी, मैं यहाँ पे नहा चुका हूँ इस जगह, यहाँ पर सीढ़ियाँ बन रही है, लेकिन यहाँ पर इतना गहरा पानी है, कहते हैं कि यहाँ पर अगर तीन हाथी को एक के ऊपर एक करके खड़ा कर दिया तीन हाथी को, तो जब जाके तीसरा हाथी ऊपर थोड़ा सा दिखेगा। अब गाइस ये मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये। और बाकी पानी तो फुल चल रहा है गाइस, अभी करकेटा दिखा है जो कि रंग बदलता है पूरा। ओ ओ ओड़ा दिख नहीं रहा होगा गाइस, ये रहा देखो, ये रहा। चलो भाई, तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, देखते हैं रास्ते में कहीं और जाना होता तो कुछ भी प्लान बन जाता कि यहाँ चल दो वहाँ चल दो। तो अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं, यहाँ का जो भी दिखाना था वो दिखा दिया, अब चल रहे हैं घर की तरफ। गाइस हर तरफ खेत है, जहाँ जो भी रास्ता पकड़ो खेत का रास्ता पकड़ो, चाहे ताकि ज़्यादा गर्मी भी न लगे और अपना आराम से खेतों का नज़ारा लेते पहुँच जाए। तो गाइस अभी मैं आया हूँ दादी के लिए जलेबी लेने, कल दादी ने मंगवाई थी लेकिन कल तो दुकान बंद थी, तो आज लेके जा रहा हूँ। गाइस मैंने 20 रुपए की अभी खाने के लिए लिया, और सही में गाइस आप मानोगे नहीं, ये जलेबी मैंने एक महीने लगातार खाई है, चाहे 10 रुपए आए हैं, 20 रुपए आए हैं या 30 रुपए खाई है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी 20 रुपए के लिए आज खा रहा हूँ कई महीनों बाद,
और दिल्ली में मुझे ऐसी स्वाद की जलेबी कहीं नहीं मिली, तो आज बढ़िया खाऊंगा। और दादी के लिए मैंने पैक भी करवा लिया, तो गाइस करवा लिए पैक घर पे ले जाने के लिए जलेबी, और लेके जा रहा हूँ अब। और कल मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की बहुत याद आएगी गाइस। दिल्ली में तो कोई दोस्त है ही नहीं, यहीं पर है कुछ दोस्त। यही पार्ट मुझे पसंद नहीं है गांव आके फिर वापस जाने का। जाने का आता ना जब बड़ा ही दुख होता है। दादी घर में कोई नहीं है गाइस, लग रहा है कहीं बाहर गए हैं दीदी और दादी दोनों। चलो आ ही जाइए, खा लेंगे जलेबी, यहाँ रख देता हूँ। क्या चप्पल लेने गई थी? अच्छा जलेबी लाया था मैं। लो गाइस दे दिए दादी को जलेबी, और ये लाए हैं केले। लो एक केला दो। बढ़िया है, अच्छी है ना जलेबी? मन कर रहा था तुम्हारा ना, कल बोल रहे थे, कल बंद थी दुकान उनकी, इस वजह से कल मैं चाट ले आया था। दिया जलेबी। और गाइस दीदी तो खा ही नहीं रही, पसंद नहीं है बोल रही है। मस्त है, खा के तो देख ले।